हर महादेव। और यहाँ पे तरह तरह का रंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं बाबा हरिहरनाथ मंदिर। ये बाबा हरिहरनाथ मंदिर जो है सोनपुर में है, और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये घाट है, ठीक है ना। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और ऐसी परंपरा है कि आपको यहीं से जल लेकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए यहीं से जल लेकर के जाते हैं। ये एक भाई साहब हैं यहाँ पे, देखिए ये भाई साहब भी जो है चैन की बंसी बजा रहे हैं। एनीवे, तो आज हम लोग यहाँ पे पूरा दर्शन करेंगे, है ना। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले हैं कोन्हारा घाट। तो चलिए आज चलते हैं पहले कोन्हारा घाट। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये घाट है यहाँ पे, और ये कुछ नाव वाले भी यहाँ पे खड़े हैं जो कि घुमाते हैं। चलिए घूमते हैं। कहाँ कहाँ घुमाइएगा? कितना लीजिएगा? जितना क्या बताइएगा तब ना, फिर बोलिए। जय गंगा माई। चलिए घूम के मजा लेते हैं। तो ये नारायणी गंडक नदी है, और वो देखिए वो सामने जो पुल दिख रहा है वो हाजीपुर और सोनपुर दोनों को कनेक्ट करने वाला पुल है। और ये नदी है, इसका नाम है नारायणी गंडक, नाम है इस नदी का। और ये गंडक नदी जैसा कि आपको पता होगा नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से ये बिहार में एंटर करती है। और आपको बता दूं अभी ये जितना शांत दिख रही है ये नदी उतना ही ख़तरनाक भी है। इसकी जो धार है बहुत तेज़ होती है। जब बरसात के दिनों में आप आएंगे तो बिहार के काफ़ी ज़िलों में ये बाढ़ का भी कारण बनती है। एनीवे ये अच्छा है। अभी मुख्यमंत्री, ये माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में भी इस तरह की नौका सेवा शुरू किया है। हालांकि वो सोलर से चलता है, उसका जो मोटर है वो सोलर से ऊपर प्लेट लगा हुआ है और नीचे चलता है। यहाँ पे अभी मैनुअल है, हाथ से चला रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं आप ये काम? 10 साल से। कितना कमाई हो जाता है डेली? 600-600। सीजन अभी ऑफ है कि ऑन सीजन है? अभी अभी समझ लीजिए कि सीजन मेला नहीं है तो ऑफ ही है। काफ़ी सुकून है यहाँ पे और काफ़ी शांति है। हालांकि आप देखिए यहाँ का पानी का जो इसका रंग है ना, थोड़ा मटमैला सा है। अभी मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बताऊँ, पहले आप गंगा नदी में भी जाते ना तो वहाँ का भी पानी कुछ ऐसा ही था, मटमैला सा। लेकिन इधर नमामि गंगे की वजह से या क्या, अभी गंगा का पानी पटना में काफ़ी साफ है इधर के अपेक्षा। तो कैसा लगा, मज़ा आया ना घूम के? यही है अपना बिहार, यहाँ पे तरह तरह का रंग है। गंगा माता है, गंडक नदी है, ये नारायणी गंडक है। और गंडक नदी को हम लोगों ने घूम ही लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये किसी ने बैग फेंक दिया, कितना कितना गंदा है यार। यहाँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपील करूँगा, गंगा और बाकी नदियों में कचरा ना फेंकें, साफ रखें। बाहर के लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, बताओ कितना गंदा लग रहा है। एनीवे, तो अब आ गया है हमारा घाट, कोन्हारा घाट। ये देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पूछा ही नहीं।
ये क्या है भैया? ये मिट्टी है गंगा जी का। अच्छा, और ये घर का नेव में काम करता है ये मिट्टी। अच्छा, ये इससे क्या करते हैं नेव में? नेव में पूजा जो पहला नेव जो करता है घर का, जी जी, उसमें काम करता है ये। अच्छा, पूजा सामग्री के बाद भी ये मिट्टी डाला जाता है। अच्छा अच्छा, और कुछ और भी सामान होता है? हाँ हाँ, नाग नागिन वगैरह भी डालते हैं। नाग नागिन भी डालता है, मिट्टी डलाता है। देखिए, ये भैया कह रहे हैं कि ये जो मिट्टी है, जो नया जिनको घर बनाना होता है तो जो नेव डालते हैं ना मिट्टी का खोद के अंदर, तो उसमें नाग नागिन डालते हैं और शायद इसको भी डालते हैं, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। तो गंगा जी का भ्रमण हो गया। अब यहाँ से लोग जो जिन्हें हरिहरनाथ मंदिर जाना होता है तो यहाँ से जल उठाते हैं और बाबा हरिहरनाथ पे जाके उसका जल अभिषेक करते हैं। होप आपको मजा आ रहा होगा घूमने में। ये पूजन सामग्रियों की दुकान है, जिनको पूजा वगैरह करना होता है तो यहाँ से सामान ले सकते हैं अपना, क्योंकि तरह तरह की ये प्रसाद हो गया, पूजा के लिए फूल हो गया, ये चंदन हो गया। देखिए, हरिहरनाथ मंदिर आए और बाबा का टीका ना कराए तो फिर क्या फायदा। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं ना? देखिए, यहाँ पे कुछ लोग अपनी कुछ लोग जो नई गाड़ियाँ लेते हैं या फिर अपनी गाड़ियों का पूजन कराने भी आते हैं। प्रथम चरणे जम्बू दीते भारत वर्षे आड़िया वर्ते उन्ह क्षेत्रे हरियर क्षेत्रे।